नमस्कार दोस्तों, आपका पुनः स्वागत है स्टडी विद नीरज सर। आज मैं आपको रोग बताऊंगा। आप लोग पढ़े जरूर हो गए, लेकिन मैं इसको लिखा रहा हूँ, आप इसको ये जगह जो है कलेक्ट कर लेना, लिख लेना, जिससे रिवीजन करके आपको एग्जाम में जाना है। यहाँ से क्वेश्चन बेसिक है, मतलब एग्जामिनर कुछ ऐसे पोर्शन उठाता है कि वो बेसिक होते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो यहां से एक क्वेश्चन आपका पक्का है। ठीक, ओके, टीए। देखिए, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, इसके बाद कवक से होने वाले रोग, विषाणु से होने वाले रोग और जीवाणु से होने वाले रोग, ये जीवाणु से होने वाले रोग हैं। ठीक है, जीवाणु से होने वाले रोग। ठीक, आप देखो प्रोटोजोआ से कौन से रोग होते हैं, पापा काम्पस होते हैं, पा से पायरिया, का से कालाजार, मा से मलेरिया। पापा काम्पस होते हैं, पा से पायरिया, का से कालाजार, मा से मलेरिया, पा से पेचिस और सा से सोने की बीमारी। ये सीसी मक्खी के कांटे से होती है सोने की बीमारी, इसमें आदमी जो सोता ही रहता है। ठीक, कवक से होने वाले रोग, गंजा दमाद खाए फ्रूट। क्वेश्चन कैसे आएंगे, इनमें से कौन सा रोग कवक के द्वारा होता है, इनमें से कौन सा रोग विषाणु के द्वारा होता है, इनमें से कौन सा रोग विषाणु के द्वारा नहीं होता है। चार, तीन विषाणु के द्वारा होने वाले दे देगा, एक कवक के द्वारा होने वाला रोग दे देगा और कहेगा छांटो इनमें से कौन सा रोग विषाणु के द्वारा नहीं होता है। ठीक, ऐसे करके, या कवक के द्वारा होने वाला रोग कौन सा है, ऐसे बहुत सारे आपको जो है क्वेश्चन मिलेंगे। इसको रट लाना है, कभी ना कभी एग्जाम में आपको पूछा जरूर जाएगा। ओके, गंजा दमा खाए फ्रूट, ये कवक द्वारा है, गंजापन, दाद, दमा, खाज, एथलीट फुट, ए फॉर एथलीट फुट। ठीक, विषाणु से होने वाला रोग, रेखा हमें हिट करके पीएससी में छोड़ गई, रा से रेबीज, खा से खसरा, हा से हर्पीस, हा से हिपेटाइटिस, टा से ट्रोकोमा, पी से पोलियो, ए से एड्स, सी से चेचक और छा से छोटी माटा, डा से डेंगू और गा से गलसुआ। इस जो अच्छा है इनका मीन समझ लेना, बस आपको जो है काम हो जाएगा। देखो, रा से रेबीज, खा से खसरा, हा से हर्पीस, ई से हेपेटाइटिस, टा से ट्रोकोमा, पी से पोलियो, ए से एड्स, सी से चेचक, छा से छोटी माटा, डा से डेंगू, गा से गलसुआ। ठीक, अब जीवाणु से होने वाले रोग, पंकज डीटीएच देखते हैं। जीवाणु से होने वाले रोग में पंकज डीटीएच देखते हैं। पा से प्लेग, का से काली खांसी, डी से डिप्थीरिया, टी से टिटनेस और टी से टाइफाइड। दो हैं टी से, एक टी से टिटनेस, एक टा से टाइफाइड, डा से डिप्थीरिया, का से काली खांसी, पा से प्लेग, एच से हैजा। ये रोग जो है जीवाणु से होते हैं, तो इनसे एक क्वेश्चन बेसिक बनता है। ठीक, कृपया करके इसको जो है आप रट डालना। ठीक, यहां से क्वेश्चन आएगा जरूर। धन्यवाद, नमस्कार।